अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे ट्राइपॉड, जो कि हर यूट्यूबर की ज़रूरत है। और जो हम ये ट्राइपॉड आपको बनाना सिखाएंगे, ये एडजस्टेबल, आप किसी भी आपको जगह पर आप इसको ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने बैग में भी आसानी में आ जाएगा, और ये लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा कम खर्च में बन जाता है। चलिए आपको ये ज़बरदस्त ट्राइपॉड बनाना सिखाते हैं। अच्छा जी, मैं ट्राइपॉड बनाने के लिए 1 इंची PVC पाइप का ले रहा हूँ। ये आमतौर पर बिजली फिटिंग में यूज़ होता है, और इसकी लेंथ मैं तकरीबन 35 सेंटीमीटर के हिसाब से रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर मैं इसके 3 टुकड़े काट लूँगा हैंडसा की मदद से। देखिए, मैं 3 टुकड़े 1 इंची PVC पाइप की काट चुका हूँ, और मैंने 3 टुकड़े और 1.25 इंची PVC पाइप के काटे हैं, वो भी 30 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब दुकानदार से कहें मुझे 3 1.25 इंची PVC पाइप दे, वो आपको दे देगा। 1 इंची होता है 1.25 इंची। देखिए, मैं इसमें अच्छी तरह फिक्स हो रहा है। दूसरा, मैंने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, मेरे पास पड़ा हुआ था फालतू, मैंने वो ले लिया है। फिर मैं तकरीबन 4 सेंटीमीटर के हिसाब से इस पर रेडियस कर दूँगा, एक दायरा बना दूँगा, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटा या बड़ा। देखिए, मैंने बना लिया है, अब इसको काट दूँगा। देखिए, आपका वक्त ज़ाया नहीं हो, इसके लिए मैंने काट दिया इसको। और ये जो हमारा दायरा है 360 डिग्री का है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220 डिग्री का। फिर हम इस पर मैं मार्क कर लूँगा, और इसको मैंने 300 में तकसीम कर दिया है। देख सकते हैं, मैंने इसको 300 मार्क कर चुका हूँ, और देखें मुकम्मल हो चुके 300 इसके मार्क कर लिए मैंने। अभी देखिए, मैंने एक पैंप ले लिया, जो हमने 1 इंच पैंप था, फिर उसको हम थोड़ा पीछे से थोड़ा छोड़ के फिर इसको इस तरह रख के इसमें मार्क कर लेंगे, थोड़ा साइड में छोड़ेंगे जैसे खुला। देखिए, मैंने 3 मार्क कर लिए, बिल्कुल होल सा है, मैं इसकी मदद से आप इसमें होल कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप आरी ब्लेड से काट सकते हैं इसको। देख सकते हैं, मैंने 3 हिस्सों में बिल्कुल बराबर होल कर दिया। अब मुझे मिड में भी होल करना है। देख सकते हैं, मैंने मिड में भी एक होल कर दिया है कुछ इस तरह। देखे, फिर मैंने इसको फिनिशिंग भी दे दी। फिर मैं 2 सूत की बिट से इसमें होल कर दूंगा, दोनों इसके तीनों साइड में दो होल कर दूंगा। एक साइड में 2 होल करेंगे, इस तरफ एक उस तरफ, दोनों होल कर दूंगा मैं। फिर मैं एक पाइप भी होल कर दूंगा, जो हमने 1 इंच पाइप लिया था उनमें भी हम होल कर देंगे। फिर मैंने कुछ ये एक्सल के टुकड़े ले लिए, ये वायर होती है जो आमतौर पर जो हमारे गाड़ियों में होते, छोटी गाड़ियों में, उनमें से आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप जो साइकिल की व्हील की तार होते वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें क्रॉस कर लूँगा, निकाल लूँगा दोनों साइड में, कुछ इस तरह निकाल लेंगे। फिर आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं सुपर ग्लू लगा के, लेकिन मैं इसको बाद में कलर करूँगा, इसके लिए निकालना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह अभी फिक्स नहीं करूँगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा और टुकड़ा ले लिया है, देखें, और ये जो है हमारा 1 इंच पैप में अच्छी तरह फिक्स आ रहा है, इसलिए हम अपने जो ये सर्कल बनाया था इसके अंदर इसको फिक्स करके लगा देंगे, क्योंकि हमारा सर्कल ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। फिर मैं इसको सुपर ग्लू से बंद कर दूंगा अच्छी तरह। फिर ये आपने पैप ले लिया 1 इंच, इसमें लगा देंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर रहने देंगे। ये जो है पैप है, इसकी लेंथ तकरीबन 30 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो हमने अंदर लगाए। फिर मैं एक शीट ले रहा हूँ, शीट का PVC पाइप की शीट का टुकड़ा, जो अक्सर मैं अपने वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ। फिर 3 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं इसमें मार्क कर लूँगा, 3 इसमें हम लाइनें खींच लेंगे, पट्टियाँ निकालेंगे, इससे हम 3 पट्टियाँ निकालेंगे। फिर मैंने इसको कटर की मदद से काट के थोड़ा इसको दबाएंगे नीचे एक तरफ, ये टूट जाएगा। अगर आप इस सीजर की मदद से काटेंगे, क्योंकि उसमें अच्छी तरह फिनिशिंग नहीं आएगी और आपको वक्त भी लग जाएगा, इससे कटर की मदद से आसानी से कट जाते हैं। देखिए, मैंने 3 टुकड़े काट दिए हैं कुछ इस तरह। फिर मैं उसमें दोबारा मार्क करूँगा 5 mm के हिसाब से, सूत भी जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से। फिर 1 सेंटीमीटर के ऊपर से मैं दोनों साइड होल कर मार्क कर लूँगा, सॉरी, कुछ इस तरह इसमें मार्क कर लेंगे। ये आप इसकी पट्टी की लेंथ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिए। फिर हमारे इसके जो हमने मार्क किए इस साइड वाले से इसको काट देंगे कुछ सीजर की मदद से, कुछ इस तरह, आप कटर की मदद से भी काट सकते हैं। देखिए, मैंने इसके 3 से काट दिए, दोनों साइड से। फिर मैं एक लाइटर ले रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा गर्म करेंगे,
फिर हमने एक लकड़ी की स्टिक ली है, उस पर हम इसको बेंड कर देंगे। इसको थोड़ा इस तरह घुमाएंगे तो ये हमारा चूड़ी बन जाएगा, जिसको हम अपनी ज़बान में चूड़ी बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हमारे आमतौर पर दरवाज़ों में खिड़कियों में यूज़ होती है, कुछ इस तरह के हम बनाए गए। देखिए ये एक बन गई है। दूसरा मैंने एक दूसरा ये शीट ले लिए, फिर उस पर भी 3 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने मार्क कर लिए, कुछ इतने टुकड़े काट लिए हैं, 6 टुकड़े हैं। फिर मैं इसमें दोबारा मार्क करूँगा, 5 mm उस साइड छोड़ देंगे, 5 mm इस साइड छोड़ देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर इसके ऊपर मार्क करके कुछ इस तरह से मार्क कर लिया है। फिर मैं इसके बाहर वाले हिस्से हैं ना उसको रहने दूंगा, जो अंदर वाला हिस्सा है उसको काट के बाहर निकाल देंगे। उसमें हमने बाहर वाले हिस्से काटे थे, अंदर वाला हिस्सा रह गया था, अभी हमें इसे अंदर वाला हिस्सा निकालना है। देखिए मैंने 6 के 6 तैयार कर लिए कुछ इस तरह, और उसको लटक मदद से बैंड भी कर दिया। फिर मैं एक स्टिक ले रहा हूँ वुड की, आप अभी अपनी साइकिल की वायर जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे भी मेटल का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें लगा के इसको काट दूंगा, फिर इसमें सुपर क्लू थोड़ी सी लगा दूंगा, ज़्यादा नहीं लगाना आप, क्योंकि इसमें चिपक भी सकते हैं, फिर आपको तंग करेंगे। ऐसी थोड़ी थोड़ी सी इसमें सुपर क्लू की 2-2 बिंदे मैं इसमें फेंक दूंगा, कैसे ये लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकले। देखिए मैंने इनको तीनों को लगा दिया, कुछ इस तरह हमारी लग रही हैं। फिर मैं एक दूसरा पैंप ले रहा हूँ, ये मुना इंची है, इसको हम जब मुना इंची बोलते हैं, आप दुकान पर जाएंगे तो उसको बोलेंगे मुना इंची पैंप दे, वो दे देगा। फिर हम इसके ऊपर से रख के इसके सामने जो हमारे पैंप थे उस पर सुपर लगा देंगे कुछ इस तरह सुपर ग्लू, क्योंकि इसमें हमारी परफेक्ट अच्छी तरह लग जाएंगे और उसमें इसमें कोई गलती नहीं होगी। देखे मैंने इसको लगा दिया तीनों को सुपर ग्लू लगा के, फिर हम नीचे की तरफ लगा के फिर हम इस पर सुपर ग्लू लगा देंगे, उसको सामने रख के कुछ इस तरह हम इसमें सामने फिक्स करके इस पर जो हमारे नीचे के टुकड़े हैं उनमें हम सुपर ग्लू लगा देंगे कुछ इस तरह। देखिए मैंने सारों में सुपर ग्लू लगा दी है, देखिए अभी ये अच्छी तरह काम भी कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है हमारा ट्राईबोर्ड। फिर हमें एक दूसरा ये सवा इंची पीवीसी पाइप ले रहा हूँ, फिर उसके 2 टुकड़े छोटे काट लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा लूज़ हो रहा था, इसके लिए हम इसको टाइट करने के लिए थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे, फिर उसके ऊपर सुपर ग्लू लगाएंगे। अभी हम इसके अंदर लगाएंगे, देखिए अभी इसमें लूज़ नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ हिल रहा है, इसलिए हम ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा टुकड़ा लगा दूंगा। फिर मैं इसमें सुपर ग्लू से इसको अच्छी तरह फिक्स कर दूंगा। देखिए अभी इसमें अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब मैं 3 स्क्रू ले लिए और फिर उसको थोड़ा बेंड कर दूंगा हथौड़ी लगा के। देखिए इसका ख्याल रखना है, इसकी चूड़ी जो है ये ख़राब नहीं हो जाए, ये ख़राब होगी तो फिर हमें नट में फिक्स नहीं आएगा। फिर मैं पलार की मदद से उसको ऊपर रख के फिर इस पर हथौड़ी से फिर पीट दूंगा। देख सकते हैं हमने तीनों को इस तरह कुछ बेंड कर दिया है। फिर मैं इसमें होल कर दूंगा कुछ इस तरह, हम इसमें नट लगाएंगे इसलिए मैंने होल किया है, मैं नट रख के इस पर सुपर ग्लू लगा दूंगा। देखिए मैं नीचे भी लगा दिया है, नीचे इसमें मैंने दूसरे पीवीसी पाइप भी लगा दिए हैं 7 इंची वाले। फिर देखिए मैं इसमें एक फिक्स कर दिखाता हूँ आपको नट कुछ इस तरह, जो हम इसमें बोल्ट फिक्स करेंगे ये इसमें टाइटली बंद कर देगा, इसको जकड़ लेगा। दूसरा मैं 2 PVC पाइप के और शीट ले लेंगे, क्योंकि इस पर हम माउंट बनाएंगे, और मैंने कुछ इस तरह इसको शेप दे दी है। फिर मैं इसमें 2 होल कर दूंगा कुछ इस तरह, इसमें मार्क कर लूँगा और मैंने उसमें भी 2 होल कर दूंगा। देखिए मैंने इन दोनों में होल कर दिया है, 2 होल कर दिया। अब इसमें मैं नट बोल्ट फिक्स लगा के इसको फिक्स कर दूंगा देखिए मैंने एक माउंट ले लिया, जो हमारा पुराना माउंट था उसमें ये कुछ इस तरह हमारा स्प्रिंग के साथ मिल जाता है लोहे टुकड़ा। फिर मैं इसमें मार्क करके इसमें होल कर दूंगा, मैं भी इसमें मार्क कर देता हूँ, और इसमें भी मैंने होल कर दिया है 2। फिर हम इसमें ये हम इसके जो नीचे लगे हुए बोल्ट को खोल के इसमें स्प्रिंग निकाल के इसको कुछ इस तरह लगा दूंगा कुछ मैं इसमें इस तरह लगा दूंगा। फिर मैं इसमें स्प्रिंग दोबारा लगाऊंगा, दोनों स्प्रिंग लगा के इसमें वो छोटे से जो हमारे पास बोल्ट आते थे वो उस पर प्रेस करके इसको लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने इसमें तकरीबन दोनों बोल्ट फिक्स कर दिए, ये हमारा माउंट अच्छी तरह काम कर रहा है। दूसरा जो हमने ये काटा था इसमें साथ में थोड़ा सा थोड़ा टुकड़ा और चिपका दिया है, देखिए मैंने इसमें लगा दिया है 2 स्क्रू। दूसरा मैंने पुरानी मार्केट पड़ी हुई थी, मैं इसमें नट लगा के इसको बाहर निकाल के और इसको साइड से इस तरह कुछ लगा दूंगा, क्योंकि इससे हमारे हैंडल के तौर पर काम करेगा इसको ऊपर नीचे करने के लिए। देखिए हमने ये भी लगा दिया। फिर मैं इसमें
थोड़ा नीचे इसमें होल कर दूंगा, पीवीसी पाइप में भी होल कर दूंगा क्योंकि इसमें हम पीवीसी पाइप में फिक्स करेंगे नट बोल्ट की मदद से। देखिए मैंने इसमें होल कर दिया है, इसमें क्रॉस होल हो गया है। फिर हम इसमें नट लगा के बोल्ट लगा के सॉरी इसमें नट लगा के फिक्स कर देंगे। फिर मैं बाद में इसमें ब्लैक कलर कर दूंगा। देख सकते मैंने इसमें ब्लैक कलर कर लिया है, कितना हमारा खूबसूरत ट्राइबोर्ड लग रहा है। हमारा तकरीबन बिल्कुल तैयार ट्राइबोर्ड हो, बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह है हमारा। इसको आप घुमा भी सकते हैं जिधर चाहें और इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जिस तरह देखें, जिसे हमारा मार्केट से तरह ट्राइबोर्ड आता है उस तरह ही आप इससे काम ले सकते हैं जिस तरह देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये ज़बरदस्त वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।